आज से रोना नहीं है, आज मुठियाई बांटनी है। हाँ, यहाँ पर भी अपनी अपनी सारे रिश्तेदारों को, अपनी गली मोहल्ले वालों को जाओ, जाकर जाके मिठाई बांटो। परमेश्वर इसके दिल का शेक भर चुका है, आज से वो भर चुका है। जिस बोलती मेरे बच्चे के दिल में शेक है, पहले भी मैं प्रेग्नेंट थी और मेरे बच्चे की डेथ हो गई है, अब भी है, तो मैंने उसे कहा था कि तुम जाकर मिठाई बांट दो। आए जी पापा जी, आए खड़े हो जाओ। अपने बांटी थी मिठाई, किया था वचन पूरा। हाँ, मैं एडवांस में कहता हूं, जाओ रिपोर्टिंग कराओ और नॉर्मल आएंगी, संडे लेकर आना। अरे खुदावंद का वचन है, किसी इंसान का नहीं है। एडवांस में जाओ, कल परसों जब भी टाइम लगता है जाओ, जाकर रिपोर्टिंग कराओ, इसका शेक भरा हुआ है। उस दिन से खुदा ने भर दिया इस पुरपुट पे, वो बड़ा ब्लेस होता है। जल्दी से बात कराओ, ये नॉर्मली बात नहीं है। सुनो, और खास करके तब जब उसकी उपस्थिति मेरे साथ होती एकदम से, तो सुनो, ये इसका पहला बच्चा भी आपका, उसके भी दिल में शेक था, तो वो उसकी डेथ होगी। तो सुनो, उसकी क्या होगी, डेथ होगी। अब मुझे ये थर्सडे की मीटिंग में मिले और ये उस बात को लेकर कि इनकी फैमिली वाले कुछ ऐसे बोल रहे थे, ऐसे थोड़ा होता है ना, तो ये बड़ी उदास थी और रो रही थी। मैंने कहा ये कहां पर ये चीज लिखी है कि तुम्हारे साथ ऐसे हो जाए तो तुम रोना शुरू कर दो, कहां पर लिखा मुझे पहले बता दो ना। तो मैंने इसे समझाया, क्योंकि परमेश्वर हमें क्या कहता है, दुखियारे के दिन, क्योंकि उसने हमारे सारे दुख क्रूस पर ले लिए। क्या ले लिए? तो तुम क्यों रो रहे हो बताओ मुझे, तुम किस काम के लिए रो रहे हो? फिर उसका पौलुस कहता है, उसका मरना व्यर्थ है, तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। बोलो क्या है? उसका मरना व्यर्थ है, तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मानो जो नित्य भोज में है, पार्टी में, वो आनंद करता है। तुम आनंद करो, तुम आनंद करने के लिए बुलाए गए हो। बोले क्या, तुम्हारा काम सोचना नहीं है कि मेरे बच्चे के दिल में शेक है और डॉक्टरों ने बोला। जिस परमेश्वर ने, क्योंकि गर्भ में बच्चे को रचने वाला कौन है, बनाने वाला कौन है? सब उपदेशक कहता है, एक गर्भवती के पेट में बच्चे की हड्डियां कैसे बढ़ जाती है किसी को नहीं पता। डॉक्टर तो सिर्फ पढ़ लिख कर अपनी डिग्री लेकर उसका इलाज करता है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हमारी बॉडी के अंदर, ऐसे पार्ट है जो वो कहते हैं ये बस ऐसे ही है, पता ही नहीं होनी। एक पैंडिस की नाड़ होती है, वो जब उसकी प्रॉब्लम होती है तो उसे निकाल देते हैं और वो कहते हैं ये फालतू होती है। ऐसे कैसे हो सकता है परमेश्वर फालतू चीज हमारी बॉडी के अंदर पाए? पर ऐसी चीजें हैं। पर जिसने इसके गर्भ में उस बच्चे को बनाया, क्या वो उसको सामर्थ रखता है हील करने की, चंगा करने की? पर जो रोएगा, ये रो रही थी बड़ा, तो मैंने इसे कहा रोना नहीं, आज से रोना नहीं है। तेरे बच्चे का जो शेक है वो आज से ही, देखो मैं ये सारे सामने, मैं इसी फेथ से सब कुछ करता हूं। और तेरे बच्चे हाथ रख लें अपने बच्चे के पेट पर, इन द नेम ऑफ जीसस, सब अंधकार की शक्तियां आउट आउट, सब जादू की टूने की, हर शैतानी आत्माएं की जिसने इसके बच्चे के दिल में शेक किया है, चल शैतान, गंदी आत्मा, इसके बच्चे के उसके दिल से आउट करता हूं तुझे, शट, फ्री, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, टच, फ्री, तो आजाद है। आज से रोना नहीं है, आज मिठाई बांटनी है। हाँ, इस सिस्टर का नाम रूबी है और जब बता रहे हैं कि जे बालखुर से रहने वाले हैं और इनकी गवाही जे इन्होंने बताया है कि जे सिस्टर प्रेग्नेंट है और जब इन्होंने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट करवाई थी क्योंकि उनको 7वां मंथ लगा है, तो जो बता रहे हैं कि
इनको पहले पता नहीं था, क्योंकि पहले भी जब इनके घर में बेबी हुआ था और उसकी भी डेथ हो गई थी। और जो बता रहे कि जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट करवाई तो उसमें डॉक्टर ने कहा था कि जो आपके बेबी है उसके जो हार्ट है, हार्ट में शेक है, दिल में शेक है। तो जो बता रहे कि पहले भी जब इनका बेबी हुआ तो उसको भी यही प्रॉब्लम थी और उसकी डेथ हो गई। तो जब डॉक्टर ने इनको जो प्रॉब्लम बताई तो जो काफ़ी परेशान हो गए। पहले हम इनकी फर्स्ट रिपोर्ट को देखेंगे। और जो इनकी रिपोर्ट है और जो इन्होंने 6 मंथ में कराई थी, 6वें महीने में, तो जैसे ही डॉक्टर ने इनको कहा कि आपके बेबी के हार्ट में, दिल में शेक है, तो जो बहुत ही परेशान हो गए, क्योंकि इनको डर था कि पहले भी इनके बेबी की डेथ हो गई थी और जिसके कारण जो बहुत ही परेशान हो गए थे। और जैसे कि जय प्रभु पर विश्वास तो नहीं करते थे, पर जब जो बता रहे हैं कि इनके दरानी है यो यहोशुआ रंजीत रॉबिन मिनिस्ट्री में आ रहे थे, और जैसे ही उन्होंने इनको गुड न्यूज़ दी और जब जे सिस्टर फर्स्ट टाइम यहोशुआ रंजीत रॉबिन मिनिस्ट्री में आए और इन्होंने फर्स्ट मीटिंग को जब अटेंड किया, तो उस दिन ही इन्होंने प्रभु के दास के साथ भी इनकी मीटिंग हुई। तो इन्होंने अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में बताया, तो जैसे ही प्रभु के दास ने इनको टीच किया कि आप विश्वास में बने और जो इस मिनिस्ट्री की पॉजिटिव प्रेयर और विश्वास के बारे में इनको बताया गया, और जैसे ही जो सिस्टर नेक्स्ट फिर उन्होंने मीटिंग को अटेंड किया 27 नवंबर की मीटिंग को, और जब जो सिस्टर 27 नवंबर की मीटिंग में आए और उस दिन प्रभु के दास के द्वारा इनके लिए प्रेयर हुई थी। पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। तुम आनंद करो, तुम आनंद करने के लिए बुलाए गए हो। बोले क्या, तुम्हारा काम सोचना नहीं है कि मेरे बच्चे के दिल में शेक है और डॉक्टरों ने बोला, डॉक्टरों ने बोला, जिस परमेश्वर ने, क्योंकि गर्भ में बच्चे को रचने वाला कौन है, बनाने वाला कौन है? सब उपदेशी कहता हूं, एक गर्भवती के पेट में बच्चे की हड्डियां कैसे बढ़ जाती है किसी को नहीं पता। डॉक्टर तो सिर्फ पढ़ लिख कर अपनी डिग्री लेकर उसका इलाज करता है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हमारी बॉडी के अंदर, ऐसे पार्ट है जो वो कहते हैं ये बस ऐसे ही है, पता ही नहीं होनी। एक पेंडिस की नाड़ होती है, वो जब उसकी प्रॉब्लम होती है तो उसे निकाल देते हैं और वो कहते हैं ये फालतू होती है। ऐसे कैसे हो सकता है परमेश्वर फालतू चीज हमारी बॉडी के अंदर पाए? पर ऐसी चीजें हैं। पर जिसने इसके गर्भ में उस बच्चे को बनाया, क्या वो उसको सामर्थ रखता है हील करने की, चंगा करने की? पर जो रोएगा, ये रो रही थी बड़ा, तो मैंने इसे कहा रोना नहीं, आज से रोना नहीं है, तेरे बच्चे का जो शेक है वो आज से ही, देखो मैं ये सारे सामने, मैं इसी पेट से सब कुछ करता हूं, और तेरे बच्चे, हाथ रख लें अपने बच्चे के पेट पर, इन द नेम ऑफ जीसस, सब अंधकार की शक्तियां आउट आउट, सब जादू की टूने की, हर शैतानी आत्माएं की जिसने इसके बच्चे के दिल में शेक किया है, चल शैतान, गंदी आत्मा इसके बच्चे के, उसके दिल से आउट करता हूं तुझे, शट, फ्री, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील, बी हील, बी हील, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, टच, फ्री, 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 तो आजाद है, आज से रोना नहीं है, आज मुठियाई बांटनी है। हाँ, यहां पर भी अपने अपने सारे रिश्तेदारों को, अपने गली मोहल्ले वालों को जाओ, जाकर जाके मुठियाई बांटो, परमेश्वर इसके दिल का शेक भर चुका है, आज से वो भर चुका है। ओके, आज से रोना नहीं है। चलो थोड़ा सा वो गाओ। तो जब 27 नवंबर की मीटिंग में आए तो इनके लिए प्रेयर हुई थी, और उसके बाद जो विश्वास करते रहे, जो धन्यवाद में बने रहे, और जैसे इन्होंने फिर 18 दिसंबर की मीटिंग को अटेंड किया और जब प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे, प्रेच कर रहे थे, और परमेश्वर ने अपने दास को आत्मा में अगुवाई की, तो जैसे जैसे सिस्टर को परमेश्वर ने वर्ड दिया,
और पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। जिस बोलती मेरे बच्चे के दिल में शेक है, पहले भी मैं प्रेग्नेंट थी और मेरे बच्चे की डेथ हो गई है, अब भी है, तो मैंने उसे कहा था कि तुम जाकर मठियाई बांट दो। आए जी पापा, ये आए, खड़े हो जाओ। अपने बांटी थी मठियाई, किया था वचन पूरा? हाँ, मैं एडवांस में कहता हूं, जाओ रिपोर्टिंग कराओ, नॉर्मल आएंगी, संडे लेकर आना। अरे खुदा मंद का वचन है, किसी इंसान का नहीं है। एडवांस में जाओ, कल परसों जब भी टाइम लगता है जाओ, जाकर रिपोर्टिंग कराओ, इसका शेक भरा हुआ है। उस दिन से खुदा ने भर दिया। तो जब 18 दिसंबर की मीटिंग में आए थे और जब जैसे परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा इनको जो वर्ड दिया तो इन्होंने विश्वास किया, और जब बता रहे कि जैसे इनको मैसेज दिया गया परमेश्वर की ओर से कि आप अपनी रिपोर्ट कराएं और वो नॉर्मल आएंगी, और कल जो सिस्टर अपनी रिपोर्ट्स कराने के लिए गए थे और जो बता रहे हैं, पहले हम उन रिपोर्ट्स को भी देखेंगे। और जैसे इन्होंने जो रिपोर्ट्स कराई तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी जो रिपोर्ट्स हैं पूरी तरह से नॉर्मल आई है, इसमें कोई भी इनके हार्ट में शेक नहीं है। परमेश्वर ने वो शेक को पूरी तरह से भर दिया है और आज इनका बेबी पूरी तरह से अच्छा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में कि इनकी जो रिपोर्ट है पूरी तरह से नॉर्मल आई है। तो सच में जैसे इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया और धन्यवाद किया, और आज परमेश्वर ने अपने दास को जब गवाही की थी तो सच में परमेश्वर ने आज इनके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट किया है, और इस बड़ी गवाही के लिए हम सब तारीफ करेंगे। कलीसिया जोर से अपने हाथों को हिलाते हुए, मेरे यीशु जी ने जोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी ने जोर दी क्या बात है, वो देखे बीमारियां बोले अपने पड़ोसी को, विश्वास कर, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो सब कुछ करने की क्या रखता है, चाहे शेक है चाहे कुछ भी है। तुझे ब्लड कैंसर है, हाँ, तुझे डॉक्टर ने जवाब दिया है, तुम कैसी भी प्रॉब्लम में हो, खुदाबंद सब कुछ करने की क्या रखता है। सुनो एक चीज, बड़ी बात सुनो, सुनो पहले, रुको, अगर इन्हें ये गुड न्यूज ना मिलती, आप माइक दे लो, आपको किसने बताया, आपके क्या लगते थे जिन्होंने बताया कि आप यहां पर आ जाओ? उनका नाम छोटी भाभी मेरी। अच्छा, आपकी भाभी है, ठीक है, आप बड़े हो? हाँ जी, हाँ, इनकी भाभी जी हैं जिन्होंने वो यहाँ पे आते थे और उन्होंने बताया कि आप यहाँ पे आओ। सुनो सुनो, अभी अगर कोई किसी को नहीं बताएगा तो कैसे किसी का जीवन बचेगा? हाँ, कैसे किसी का जीवन बचेगा अगर कोई किसी को ये बताएगा नहीं कि यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आए। अब देखो, इनका धर्म बदला कि जीवन बदला, इनका पहला बच्चा भी
उसे भी सेम ये हार्ट की प्रॉब्लम के कारण, शेक के कारण उसकी डेथ होगी। अब दूसरा बच्चा, दूसरे बच्चे से जब ब्लेस हुए तो चेकअप कराया तो उसके भी दिल में क्या आया, शेक आया, और ये बहुत परेशान सी और रो रहे थे। क्या रो रहे थे? और जब मैं इन्हें फर्स्ट बार मिला तो ये बहुत रो रहे थे। बोले क्या था? जब मेरी पर्सनल मीट हुई थी इनके साथ, ये रो रहे थे, तो मैंने कहा रोना नहीं है। ये कितनी तारीख का क्लिप है जो पहले दिखाया? 27 नवंबर। हाँ, तो अभी अपनी सुना ना उसमें, तो खुदावन के रूह ने, उसके आत्मा ने मेरे मुंह से बोला कि आज से रोना नहीं है, जाओ जाकर क्या करो, मठियाई बांटो, परमेश्वर का शेक। और फिर से कितनी तारीख का जो दूसरा क्लिप था? 18 दिसंबर, जब मैंने कहा था कि अब वो आई है सिस्टर, जिसको मैंने ये कहा था कि मठियाई बांटने के लिए वो आए। तो उस क्लिप में हमने ये सुना, ये देखा कि मैंने कहा खुदा के आत्मा ने मेरे अंदर से होकर मेरे मुंह से ये कहा कि जाओ जाकर रिपोर्टिंग कराओ, आपकी रिपोर्टिंग क्या आएंगी। ये पिछले संडे की बात है, ये पिछले संडे की बात है। तो मैंने कहा जाओ जाकर रिपोर्टिंग कराओ, नॉर्मल आएंगी, क्योंकि किसने बोला, वो वर्ड कहां से आया है, और जो वचन ऊपर से आता वो बोलो क्या है, व्यर्थ। उसने कहा मेरे पास व्यर्थ ठहर कर नहीं आता, जिस बात के लिए मैं भेजता हूं वो अपना काम करता है, और वो काम आपके सामने है। अपने अभी डॉक्टर की रिपोर्ट्स को देखा है, अब देखो। अब जो लोग कहते हैं कि धर्म 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 बदलता है, बोलो क्या है, अब देखो कितना बड़ा खुदावंद ने चमत्कार कर दिया, कितना बड़ा मिरेकल किया। हाँ, रिपोर्ट आपके सामने है। अब इंटरनेट पे लोग कहते हैं ये जो ईसाई है ये झूठ मूठ सब ड्रामे करते हैं, ये ड्रामा है, ये आपके सामने है। आपके साथ कुछ ड्रामा हुआ है? आप कहां के रहने वाले हो? आप कहां के रहने वाले हो? बालखुर्द। आपके गांव का नाम है? कौन से रोड पे? फतेहगढ़ चूड़िया बालखुर्द। अब देखो फतेहगढ़ चूड़िया रोड पर क्या नाम बताया पिंड का? बालखुर्द। आपके फादर का क्या नाम है? सतनाम सिंह। सतनाम सिंह, वो क्या काम करते हैं? ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी करते हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लाभजी। आप क्या करते हो? ऑटो चलाते हो। ऑटो चलाते हो। आपकी मिसेस का नाम? रूपी। रूपी, अब हमने एड्रेस भी आपको सारा कुछ बता दिया। हाँ, जो लोग कहते हैं कि ये झूठ है, ये ड्रामा है, ये ड्रामा नहीं है। इन जिनके साथ खुदावंद ने बड़ा ये चमत्कार किया है, ये इनको पूछ कर देखो, ये रो रही थी, कितनी परेशान थी उस बात। बोलो क्या थी? कितनी परेशान थी ये। मेरी बहन, सत्य को दबाना नहीं, इस काम को बताना नहीं है, अपनी गवाही को हर जगह बताना है, क्योंकि यीशु मसीह सच्चा खुदा है। वो किसी का धर्म नहीं, वो जीवन बदलने के लिए है, तेरे जीवन को बदला, तेरे बच्चे को उसने बचाया है। और मैं ये तेरा बच्चा है? हाँ जी। ये क्या है? ये क्या है? बेटी के बेटा? गुड़िया है। बेटी है। जो मैं इस बात की प्रोफेसी करता हूं, परमेश्वर को बेटे के साथ भी ब्लेस कर चुके हैं, ऐसा हो चुका है। ढोल के साथ आना, मैंने कहा ढोल के साथ आना, ढोल के साथ, ऐसा बड़ा चमत्कार खुदा ने कर चुका है। सुनो, जब खुदावंद वचन देता है तो उसे पूरा भी करना है। एक बात याद रखना, ये कौन सा महीना है आपकी प्रेगनेंसी को? कितना टाइम हो गया? कितने महीने है आपको? नहीं, ये कौन सा मंथ चल रहा है? नौवा महीना है। ये तो अभी कम बस हो गया। जितना भी टाइम है खुदावंद के साथ पूरी तरह बने रहना, ठीक है, किसी भी चीज के लिए अपने। हाँ, इस तारीख 30 को जाना है, जनवरी 30 को। तो
खुदावन नवा साल तेरे लिए बहुत खुशियों से भर चुका है। तारीफ करो जोर से, जोर से। मैं तेरी ये गवाही ओ दे ना दी, जोर से। मैं तेरी ये गवाही ओ दे ना दी, मैं तेरी ये गवाही ओ दे ना दी, मैं तेरी ये गवाही ओ दे ना दी, के यीशु मैनु चंगा करे आ। ओ करा दिल तो तेरी ने ना दी, के यीशु मैनु चंगा करे आ। अगर आप भी किसी दुख, परेशानी या हालात में हो या दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो, तो ये हमारे चर्च का एड्रेस है और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो। आमेन।